सो ही व्हाट्सअप गाइस, स्वागत आप सभी का एक और न्यू GTA के एपिसोड के अंदर। और जैसे कि आपने देखा था पिछले एपिसोड के अंदर, माइकल फ्रैंकलिन ने रॉबरी किया था अपने ज्वेलरी शॉप का जो कि लॉस सैंटोस के अंदर। और उसके बाद न्यूज़ खबर में फैल चुका था कि लॉस सैंटोस में माइकल फ्रैंकलिन किया रॉबरी और अपने ट्रेवर को पता चल गया था कि दोनों मिलकर रॉबरी किए हैं। बट आपको तो पता होगा कि तीनों मतलब दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बट गाइस वो दोनों मिलकर रोबरी किए हैं और ट्रेवर को बताया भी नहीं है। तो ट्रेवर गाइस ढूंढ रहा है उनको लॉस सैंटोस में और इसको नहीं पता कि लॉस सैंटोस में वही लोग है। अब ट्रेवर को तो पता नहीं कि लॉस सैंटोस में माइकल और फ्रैंकलिन है, क्योंकि माइकल फ्रैंकलिन को लॉस सैंटोस की पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि वो लोग काफ़ी मतलब लॉस सैंटोस में सबसे एक बड़ी जो ज्वेलरी शॉप थी जिसको कि लूट लिए वो दोनों मिलके, और साथ में एक और बंदा था जो कि तीनों मिलके लूटे हैं। और इसके बाद जैसे आपने देखा था पिछले एपिसोड के अंदर, ट्रेवर ने बाइकर गैंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उसके अड्डे पर जाके बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दिया था। तो गाइज अभी यही नहीं है गाइज, अभी माइकल और फ्रैंकलिन को ढूंढने का अभी अपना मिशन स्टार्ट है। चलो गाइज रॉन से बातचीत हो गया, वो कुछ बता रहा था बट अभी उसको कुछ नहीं मतलब खुफिया राज नहीं मिल चुका है, नहीं मिला है कि आखिर कहाँ पर है अपने फ्रैंकलिन और माइकल। बट गाइज मैंने पिछले एपिसोड के अंदर खरीदा था गाइज अपना खुद का एक गैराज, सबसे बड़ा सा गैराज, उसी गैराज में हम चलेंगे और उसके बाद गए चलेंगे हम लोग बहुत सारे मिशंस भी करने, क्योंकि उसी से गाइज हम लोग पता चलेगा कि कहाँ पे है आखिर माइकल और फ्रैंकलिन। तो चलो गाइज एक बंदे से बातचीत हो गया और वो कब से बोला रहे स्नाइपिंग करने के लिए, किसी बंदे को मारना है। अब आई डोंट नो गाइज किसको मारना है, बट गई ट्रेवर को एक मिशन मिल चुका है, चलते फटाक से उसी बंदे के पास। अब पता नहीं वो अर्जेंटली बोला रहा है कि जल्दी आओ ट्रेवर, जल्दी आओ, काफ़ी तगड़ा एक काम करना है तुमको। अब पता नहीं वो बोला था किसी सैटेलाइट को मारना है। अब उसके अलावा गाइज अगर वो मतलब ये काम हम लोग कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो गाइस सुराग हमको देने वाला ये बंदा। बट वेट, ये रहा गाइस वो बंदा, वेट, हाँ ये रहा। कोई इसने शायद कब से फ़ोन करा था, कब से मेरे को बुलाया था, थोड़ी से बातचीत करते। हेलो भाई कैसे हो? वो गाइस इससे बातचीत हो रही है, बोले कि तुमको एक अपने सिटी के अंदर एक बड़े टावर को फोड़ना होगा, उसके लाइट को फोड़ना होगा। चलो गाइस बातचीत हो गया, इसने मेरे को अपना गन दे दिया, अब मेरे को इसके पीछे जाना पड़ेगा और इसका एक थोड़ा बहुत मिशन है जो किसी को शूट करना है, बट मेरे को करना पड़ेगा। You're gonna love this. अच्छा मेरे को मिशन करने बोल रहा है, चलो किसको मारना है? ओ गाइस सामने सैटेलाइट है और इसको मेरे को स्नाइपिंग करना है। ओ गाइस एक सैटेलाइट को लोग फोड़ डाले हैं, अभी दो सैटेलाइट और है जो कि सामने है। ओके ये रहा सैटेलाइट एक और, तो इसको भी तोड़ दिया हम लोगों ने। एक और अपना सैटेलाइट है जो कि इस साइड से, हाँ ये रहा है सैटेलाइट। ओके बॉयज ये रहा सैटेलाइट और हम लोग ने तीनों सैटेलाइट को फोड़ डाला है। अब गाइस मॉर्टल के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मॉर्टल कब से बुला रहा है और जाना पड़ेगा हम लोग वहाँ पे। चलो आ जाओ, आ जाओ सीकस पीछे आ जाओ। तो चलो भाई चलते हैं मॉर्टल के पास। वेट इस बार इसका बग यूज करता हूँ, ये तो बग काफ़ी बढ़िया है। चलो बैठ जाओ, बैठो। चलो हम दोनों मिल के चलते हैं इसके एरिया पे क्योंकि इसका दोस्त बुला रहा है और इसका दोस्त मॉर्टल है। बट कुछ भी करो गाड़ी का ही अच्छा है। वेट 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 वो अंकल बैठे अकेले की हो भाई, वो अंकल अकेले बैठे। चलो चलते हैं सामने उसी बंदे के पास। बट ये लोग कितना बातें कर रहे हैं गाइज, एक ज्वेलरी शॉप की रोबरी की वजह से ट्रेवर को काफी मिशन करने पड़ रहे हैं, काफी सारे बंदों से मिलने पड़ रहे और बाइकर गैंग से भी पंगा लेना पड़ा था। बट वेट, ओके यहाँ पे लाना है कार को। ओके वेट 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 गाइज बस, ओके गाइज यहाँ पे बहुत सारे पार्ट गिरे हुए हैं, लोग नीचे उतरते हैं। चलो यहाँ पर इसका एक अड्डा है और उन सभी सैटेलाइट को फोड़ के हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बट वेल ये मेरे को स्नाइपर देगा फ्री में क्या? अच्छा अभी मेरे को और काम करना चाहता है और ये बोले कि और सैटेलाइट को तुमको मारना पड़ेगा। ओके ये सामने तीन कार जाने वाली है, बोले तीनों कार को तुम स्नाइप करो क्योंकि वो सैटेलाइट फोड़ के मेरा टेस्टिंग ले रहा था कि कैसा तुम्हारा स्नाइपिंग है। वेट, ओके बट वेट सामने ये तीन गाड़ी रही गाइस, इन्हें तीनों कार को करना पड़ेगा स्नाइप मेरे को। वेट, नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके गाइस सामने तीन कार है जो कि मिशन मिला और मेरे को तीनों कार को उड़ाना पड़ेगा। बट वेट सामने तीनों कार गया, नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ। ओके कार के चक्कर तो मैं फोड़ डाला। बट वेट सामने तीनों गाड़ी है, बट सामने दो ही गाड़ी है गाइज। ये मेरे को प्रैक्टिस करा रहा था कि तुम शूट करो टायर पे, जो कि हम लोगों ने काफ़ी तरीके से इसका काम कर डाला। बट चलो चलते हैं आराम से आराम से आराम से, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मार गया गाइज। चलो चलते नीचे,
ओके गाइज, ये बोल रहे काफी अच्छा तुमने शूट किया और तुमको प्रैक्टिस करने की काफी जरूरत है क्योंकि तुम मिशन पे ऐसे नहीं जा सकते। Guys, जब भी और टारगेट देने वाले ये बोला कि अभी तुमको और टारगेट की जरूरत है, तुम अभी और बंदे सब मार, बट वेट ये कौन है? अरे नहीं मार रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? इन्हें डर क्यों रहे हो भाई? नहीं मारेंगे तुमको। चलो भाई, शिवकाश दे रहे बहुत सारे अभी और टारगेट। अब आई डोंट नो, मेरे को प्रैक्टिस करना चाहता है क्योंकि हम लोग जाने वाले किसी सीक्रेट मिशन पे। बट वेट, आते ऊपर आराम से, क्योंकि गाइज हम लोगों ने बाइकर वाले गैंग से भी लिया पंगा। अब उनके बॉस को तो मारना बनता है क्योंकि अभी हम लोग बाइकर के टीम को केवल मारे हैं, थोड़े छोटे छोटे बंदों को मारे केवल, बट हाँ अभी बाइकर के पूरे टीम को मारना है। गाइज ये सामने, गाइज ये बोला सामने बहुत सारे टुक टुक, इनको वायर करो, फायर करो। ओके गाइज, ये सब है, एक गया। वेट, ओके यहाँ पे गया। वेट, एक और गया। वेट, एक और गाइस, एक और है जो कि यहाँ पे है। तो चलो गाइस, यहाँ पे ये भी होता है मिशन कंप्लीट और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे टारगेट का, जो कि कभी टारगेट प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होने वाला है क्योंकि अभी हम लोग को लड़ना है बाइकर वाले पूरे गैंग से। तो लेट्स गो बॉयज, सीकस ने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया। बट वे, ये हमारी गाड़ी कहाँ पे है? वेट ही रही बहन ना मेरी, बट मेरी मेरी कार वहीं पे थी गाइस। एक काम करते गाइस, चलते किसी गाड़ी को कब्जा करते अपना और चलते सबसे पहले अपने रॉन के पास, क्योंकि रॉन कब से बुला रहा है। और पता है गाइस, रुको मैं आपको दिखाता हूँ अपना वेयर हाउस, जो कि अपना वेयर हाउस ये गाइस, ये वेयर हाउस को हम लोग खरीद लिए हैं, इस वेयर हाउस को अपना हम लोग खरीद भी लिए हैं और यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे सीकस से अपना सीकस कह रिया। बट वेट गाइस, वेट मेरे को जाना यहाँ पे ना, यहाँ पे चलो भाई, चलते हम सबसे पहले एयरपोर्ट के पास, क्योंकि एयरपोर्ट के पास भी कुछ होने वाला है। वेल, मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बट वेट, ये मौसम का क्या हुआ गाइज? ये क्या, ये बिन मौसम बरसात होने लगी, ये क्या हो रहा है? तो चलो भाई, इस फटाक सबसे पहले हम लेते किससे गाड़ी कब्जा करते हैं। बट वेट, इधर कोई भी गाड़ी नहीं, कोई भी गाड़ी, बस अंकल रुको 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 अंकल रुको, ओ भैंस की पूछ, ड्राइवर को मारोगे तुम लोग, रुको। चलो इस फटाक से इसके पहले सबसे गाड़ी कब्जा करते हैं, निकलो भाग यहाँ से। सॉरी अंकल, आपका गाड़ी पहुँचा देंगे, बट वेट, अरे कपड़े तो पहन लिया करो। चलो भाई, चलते सबसे पहले हम अपने फ्लाइट के पास, क्योंकि अपन का एक वेयर हाउस है। बट स्पीड, हाँ ये ट्रक कितनी स्पीड जा रही है। अरे ये बुढ़ऊ अंकल आ रहे हैं, सॉरी अंकल, बाद में अपना कार लेना क्योंकि अपन जाना है मिशन पे, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिक्कत हो जाएगी। ओके वेच, अरे चलो। तो चलो गाइज, मौसम अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, मैं कम से कम 2 घंटे से वेट करता कब मौसम ठीक, कब मौसम ठीक हो गया। बट हाँ गाइज, अब मौसम ठीक हो चुका है। बट वेट, मैं क्या सुन गाइज, मैं अपना एक प्राइवेट प्लेन बाइक लेता हूँ क्योंकि ये हमारा वेयर हाउस है जो कि हम लोग ने खरीदा था। बट वेट ओके, हम लोग प्लेन भी चला सकते हैं क्योंकि प्लेन भी हमारा ही है। ओके नहीं, मेरे को नहीं चलना, मेरे को बैक करना है, बैक करते हैं। तो ऑल राइट गाइज, मैं तो आया था अपने वेयर हाउस के पास। बट वेट, रॉन कब से फ़ोन करा, जल्दी आओ क्योंकि वहाँ पे कुछ बंदे आ चुके हैं। बट वेट गाइज, मैं काम करता हूँ, मैं रॉन से बोलता हूँ जल्दी मेरे लिए एक गाड़ी भिजवाओ सीक्रेट कॉल करके। ओके गाइज, रॉन ने काफ़ी जल्दी मेरे को भिजवा दी ये गाड़ी। अब चलते गाड़ी लेकर सबसे पहले रॉन के पास, देखते क्या ही होता है। और सीकस के पास जाना गाइज, सीकस के पास भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं और माइकल और फ्रैंकलिन से रिलेटेड। बट वेट, ओके बॉयज, वेट, ओके गाइज, इससे बात तो ये ब्रियस के लिए मेरे को चैलेंज दे रहा है। वेट, आ जाओ। ओके गाइज, हम लोग करने वाले इसके साथ रेस, ये मेरे को रेस के लिए क्यों अप्रोच कर रहा है? आजा रेस, आजा रेस, आजा। तो चलो गाइज, हम लोग इसके साथ कर दिए रेस क्योंकि इसने हम कर दिया चैलेंज। अब इसकी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो मुझे पता नहीं कितनी मॉडिफाइड है, बट देखते हैं कौन करता है विन। उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने रॉन के पास। बट वीट, मुकाबले में काफ़ी अच्छे तगड़े बंदे आए हैं भाई, इतने सारे बंदे आए हैं। लेट्स गो बॉयज, काफ़ी तगड़ा होने वाला रेस। चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 लेट्स गो।
लेट्स गो। वेट, मेरी गाड़ी क्या हुई भाई? अपन जीत जाएंगे, अपन बस काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अपन हार लो में से नहीं है। हटो अंकल हटो भाई, अपन इस बार ट्रैवल जीत करेगा। चलो यहाँ से हटो, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन ही लैम्बोर्गिनी काफ़ी तेज भगती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन 3 नंबर पे हैं, इनको पीछा करना मेरे लिए चुटकियों खा ले, चुटकियों काम है। वेट 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 वेट, सॉरी 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 सॉरी, मैं देखने वालों को ही मार दिया, बट वेट मेरी गाड़ी पूरी जाने वाली है, मेरी गाड़ी पूरी टूटने वाली है। वेल इनको पीछा करना तो मेरे लिए बस की बात तो है। हटो हटो, आगे से हटो, आगे से हटो, आगे से हटो, ओके सेकंड लैप है भाई। ये रेस इतना आसान भी नहीं है क्योंकि एक बंदे नहीं भाई, इतने सारे बंदे पीछा कर रहे हैं मेरा। हटो, वेल इधर नहीं, फिर पूरी मेरी पूरी गाड़ी गई भाई, ये देख रहे हो मेरी पूरी गाड़ी गई। बट तब फिर भी अपनी गाड़ी स्पीड चल रही है, फिर भी अपनी गाड़ी सबसे आगे है। वैसे मैं 4 नंबर पे हूँ। वेट आगे ला, हटो, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? ये और नल्ला इंसान है तो नल्लागिरी कर रहे हैं सब लोग। हटो 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 हटो। वेल हाँ, हम लोग सेकंड पे हैं, फर्स्ट पे शायद वो बाइकर वाला है जिसने मेरे को दिया चैलेंज। वेट इनकी टैक्सी काफ़ी स्पीड चल रही है। वेल इनको हराना मुमकिन है, इजी है, बट भाई जितना भी इजी नहीं है। सब लोग आए गए, हेलो अंकल लोग, हाय बाय बोलो यार, तुम लोग मोटिवेट करो, डीमोटिवेट करो तुम लोग। भैया क्या हो रहा है मेरे साथ? वेल ओके भाई, कितनी गाड़ी की देख रहे हो स्पीड, एक ही बार तो 200-300 पकड़ ले रहा है। मैं गया, मैं हार गया गाइस, मैं हार गया, मैं हारने वाला हूँ, मैं पक्का हारने वाला हूँ। वेल हाँ, लास्ट लैप है, एक और लैप है बस, और अपन सेकंड नंबर पे। बट वेट, मैं गया मैं गया। ऑल राइट गाइज, अपनी गाड़ी वापस आ चुकी है। वेल मैं सबसे लास्ट पे हूँ, बट वेट इस बार मैं जीतूँगा, पक्का जीतूँगा इस बार। हट जाओ अंकल आगे से, हट जाओ हट जाओ, इस बार गाड़ी से चला रहे हैं। ओके बॉयज, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, और ये फाइनली रेस हम लोग जीत चुके हैं। चलो ओके, लास्ट लैप है, लास्ट लैप है। वेट मैं गया, मैं पीछे भी इतने सारे बंदे आएंगे, सामने के जो टैक्सी वाला जो जिसने मेरे को देते चला, जो सामने ही है और वो सबसे पहले वो जीत जाएगा, फर्स्ट वो सामने है। रुक जा बेटे, आ रहा हूँ। ड्राइवर से पंगा भाई, पूरी गाड़ी गई, गाड़ी की एक तो रफ्तार इतनी तेज़ है ना कि अनकंट्रोल हो जा रही है। वेट, ये लोग नहीं मानेगा सब। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग सेकंड नंबर पे आने वाले हैं। ओके वो जीत गया, वो बंदा जीत चुका है। बट वेट चलो कोई दिक्कत नहीं, वो इस काफ़ी अच्छा रेस, अब चलते हम लोग यहाँ से डायरेक्ट। वेट अच्छे खासे पैसे मिलेंगे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो ऑल राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं शिवकस के घर के पास। बट वेट, शिवकस अपना यहीं पर है और इससे बातचीत करते हैं कि क्या मिला उसको नोटिस, और क्या मतलब कुछ मिला ही नहीं मिला। वेट हाँ, वेट ये क्या हो रहा है? अरे इसको मार क्यों रहे हो? You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. ओ गाइस, ये बोल लिए कि इसको बचाओ, बट बचाने की वजह से हम उसको मार भी दिए और ये जीत भी गया। वाह, I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. ओके गाइज, ये अंकल आ गए हैं और ये बोले जल्दी मेरे को इस मे बच्चे को हेल्प करो, इसके बदले मैं तुमको बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। बट गाइज, ये काफ़ी नशे में है और इसको बचाना पड़ेगा हम लोग को। चलो इस फटाक चलते हैं इन लोगों के साथ अब इनके लैब के पास,
क्योंकि इनके लैब में ही इनका होता हो सकता है सोल्यूशन। बट या चिप का फोन आ रहा है। हेलो चिप, ओके गाइस चिप से बातचीत हो रहा है, ये बुला रहा है, चिप भी बुला रहा है, चिप के पास हम चलेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे इस बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि लैम लगना जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच जाता है तो हम लोग इसके बदले मिलियंस में पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस मैन का बच्चा है। बट वेट, हाँ इधर चलते हैं। और ये ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, और जितने सारे पैसे मिलेंगे उससे हम लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बट हम लोग आ चुके हैं अपने लैब के पास फाइनली। चलो सबको उतारते हैं अच्छे तरीके से, और सब लोग जल्दी घर के अंदर। ओके गेस्ट है। नाइस टू मीट यू गाइस। ये एक गाइस ये पागल हो चुका है, समझ रहे हो, बिल्कुल उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कम चेक आउट द स्टोरेज फैसिलिटीज। बट वेट वेट, हम लोग उसके हेल्प कर रहे थे, बट उसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए पैसे के लिए, और इनको बंद भी कर दिए अपने मेन लैब के अंदर। ओके बॉयज, हमारे पास गन है, अब होने वाला है असली पंगा। और हमारे पीछे बहुत सारे पुलिस भी आ गई। वेट, ओके वेट 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 गाइस, पूरा गैंग आ चुका है, पूरा गैंग आ चुका है इनको बचाने के लिए। इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग कब्जा किए हैं। वेट, मारते सबको। गाइस काफी हार्ड, काफी इतने सारे बंदे हैं ना, इनको बचाने के लिए आए हैं। और गाइस वो ऐसा वैसा बंदा नहीं था, वो बिजनेसमैन थे, उसने खबर कर दिया। बट वेट, मेरे पास गोली काफी अच्छे खासे। अभी वो और सारे बंदे आ गए। ओके चलते सामने, गई सामने खिड़की से मारते हैं। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे बंदे आए हैं। गया ये भी, गया ये भी, गया ये भी, गया एक और बंदा। चलो गाइस अब चीफ का फॉलो करते हैं, क्योंकि काफी अच्छे खास लोग बंदे मार दिए। बट चीफ हो कहाँ तुम? चीफ को हेल्प चाहिए क्या? ओके चलो गाइस चीफ का तो हेल्प कर दिया। बट वेट, चीफ अपने पीछे बुला रहे मेरे को। चलो गाइस निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग ने जिनको जिनको पकड़ा है गाइस वो ऐसे वैसे बंदे नहीं है। बट वेट भाई, पूरी टीम आ गई यहाँ पे। वेट, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बाइकर गैंग वाले हैं? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इतने बंदे उसके पीछे, ऐसा कैसे? ओके दो बंदा गया, एक और बंदा गया, एक और यहाँ बंदा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, एक और यहाँ पे। सबको ले डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे गाइस। इसके साथ बहुत सारे बंदे आ रहे, बट हमको बम्स मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। बहुत सारे बंदे आ रहे, बहुत सारे बंदे। बट वेट, ओके गाइस चीप ने हमको दे दिया काफी अच्छे खासे। एक और गाड़ी आ रहा है, एक और गाड़ी आ रहा है। निकल तू भी, निकल तू भी। चलो निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। इनके लीडर को पता चल गया। वेट 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 वेट, ओके ये रहा सीढ़ी।
तो निकलते फटाक से यहाँ से, क्योंकि हम लोग ने जिस बंदे को और जिसके बेटे को, जिसके बेट बट बेट भाई पूरे बंदे बंदे आ गए, बंदे बंदे आ गए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। तुम एक साथ इतने सारे बंदे को निपटाएंगे ना तुम लोग, देखो बस। निकलो। निकलो 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 निकलो। चीप आ गए, चीप आ गए, चीप आ गए, आराम से। बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। अपने लैब में चलते हैं, लैब में डायरेक्ट। वेट, ओके। आइस बॉक्स, आइस बॉक्स कहाँ पे? आइस बॉक्स, आइस बॉक्स। वेट, तो गाइस क्या हुआ, हम लोग एक बंदे को किडनैप किए, उसके बेटे को भी किडनैप किए। अब उसके पीछे इतने सारे बंदे, इतने सारे बंदे आ गए, इतने सारे गुंडे सब। अब आई डोंट नो, बट वेट, मेरे को आइस क्यूब लेना है ना। आइस क्यूब, आइस क्यूब, ओके। ये रहे दोनों, चलो। आई थिंक वी हैव सीन क्वाइट इनफ। गाइस, I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Okay, guys, ये दोनों निकल चुके हैं। ट्रेवर ने इनको छोड़ दिया। अब यहाँ पे होता है ये मिशन कंप्लीट, क्योंकि गाइज उन लोगों को बचाना काफी जरूरी था। अब आई डोंट नो वो लोग मेरे पास क्यों आया था और क्या था, बट हम लोग इनको बचाना था और हम लोग ने आराम से उन सभी को सेव किया। चलो भाई, चलो सबसे पहले हम लोग रोन के पास, क्योंकि रोन के पास भी कुछ ना कुछ अपना होने वाला है। तो चलो गाइज, हम लोग ने यहाँ पे तो उन दोनों को बचा लिया उन सभी गैंग वालों से। बट गाइज, अभी हम लोग को लेना है पंगा बाइकर गैंग से, क्योंकि आपको तो पता है कि हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से बाइकर वाले गैंग से पंगा ले रहे हैं, बट वो लोग गाइज अभी शांत बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उनके अड्डे पर जाके उनको मारा है। अब लोग बता लेना जरूर आएंगे। अब आई डोंट नो ये बाइकर गैंग वाले बंदे थे कि कौन थे, उतना तो ये पता नहीं चला, बट हाँ गाइज हम रोन से पता लगा कि कौन सब ये सब थे। चलो गाइस, सामने एक बंदा मेरे को कब से बुला रहा है, जल्दी आओ, क्योंकि शायद उसको पता है कि कौन तुम पे अटैक कर रहा है। बट वेट, चलो गाइस, ये बातचीत कर रही अपने कस्टमर से और बट वेट गाइस, उस बंदे को हम लोग जो किडनैप किए थे अब वो लोग यहीं पे हैं। बट वेट, ये पूरा पागल हो चुका है, पूरा पागल हो चुका है। बट ट्रेवर बोल रहा है कि अब हम लोग आपका हेल्प कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी वजह से मैं काफ़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरे पीछे बाइकर गैंग भी है, आपके पीछे बहुत सारे गैंग है जो कि अब मेरे पीछे आ जाने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि उनके अड्डे पर जाओ तुम और उनको ब्लास्ट कर दो, और इसके बदले मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ। अब गन्स में मैं देने वाला हूँ, पैसे भी देंगे बहुत सारे, जिससे तुम पूरी जिंदगी अपने लाइफ स्टाइल जी सकते हो। अभी गाइज ये बोल रहे कि अभी तुम तो छोटा मोटा दे रहे हो, अभी हम इंटरनेशनल ड्रग डील भी करते हैं। ये ट्रेवर बोल रहा है कि हम तुम्हारा काम कर सकते हैं, तुम्हारा हर एक बात मानेंगे, उसके लिए मेरे को इंटरनेशनल ड्रग डीलर का पार्टनरशिप देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मारने वाला हूँ। ये लो। Because those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem, since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys and fuck them! चलो गाइस, अब हम लोग जाने वाले इसके फार्म पे, उस फार्म को उड़ाने के लिए, क्योंकि इसने इंटरनेशनल ड्रग डीलर के लिए मना कर डाला। तो चलते हैं उस वहीं पे। वैसे वो फार्म इतना छोटा भी नहीं, वो फार्म काफी बड़ा फार्म है और उसने बहुत सारे लोग रहते हैं। अब उसने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे बंदे भी रहते हैं। अब उन सभी को, बंदे को मारना एक साथ इम्पॉसिबल टाइप का है, बट हाँ चलते हम लोग वहीं पे, क्योंकि मारना तो बनता है ना, क्योंकि अपन लोग इसका काम किए, उतने सारे गैंग वाले से इसको बचाएं, बट ये नहीं माना। अपन लोग छोटा मोटा केवल बस इंटरनेशनल ड्रग डीलर काम था, जो कि अपन काफ़ी सारे उसे पैसे कमा सकते थे, बट हाँ गाइज इसने मना कर डाला। तो चलो चलते हैं सबसे पहले इसके फार्म पर,
और उस फार्म को उड़ा डालते हैं। अंकल हट जाओ। ओके ओनिल फ़ोन कर रहा है, बट वेट ओनिल भी वहाँ रहता है जिस फार्म में जा रहा है। गाइस वहाँ पे ओनिल भी रहता है और फ़ोन कर रहा है। गाइस आपने ओनिल बोल रहा है कि दिस इज़ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, मत करो ऐसा, ऐसा करोगे तो दिक्कत होगा तुमको भी हम लोग को भी। बट ड्राइवर मान लो थोड़ी है, ड्राइवर मानेगा नहीं। बट सामने है गाइस वो फार्म, अब देखते हैं फार्म कैसा, अगर अच्छे हो गए तो नहीं उड़ाएंगे उसको, कब्जे करने का ट्राई करेंगे। बट हाँ गाइस अगर वो फार्म अच्छा नहीं रहा, अपने किसी काम का नहीं रहा, तो उसको हम उड़ा डालेंगे क्योंकि अपने को रखना कोई बेनिफिट है भी नहीं। बट वेट ये लोग, ओके गाइस जहाँ पे हम ओके वो जिस फार्म को हम बात करें तो वो फार्म आ चुका है। अब यही वो फार्म है जहाँ पे ओनिल भी रहता है। बट वेट ये फार्म इतना भी छोटा नहीं है, ये फार्म काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारे लोग हैं ऐसा तो लग रहा है पीछे। ओके चलते हैं अंदर, हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। अगर अच्छा होगा फार्म तो रख लेंगे, कब्जा करने का ट्राई करेंगे। बट वेट वेट ये फार्म तो इतना, हाँ इसमें बहुत सारे बंदे हैं। विल ये फार्म पूरे बंदों से घिरा हुआ है। ओके यहाँ माइनिंग हो रहा है क्या? ओ यहाँ पे पूरा गैंग है उनका। ओके ट्रेवर आ रहा है और इनको पता चल गया। बट वेट वो तो मेरे को इंटरनेशनल ड्रग डीलर के लिए मना किया, अब उसने यहाँ बुलाया और ओनली यहाँ मेरे को बुलाया। बट वेट गाइस मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ओनिल के पूरे गैंग को। बट वेट यहाँ पे एक बंदा है, इसको निपटाते हैं, इसको चल यहाँ से निकल यहाँ से। ओके अभी डिस्ट्रॉय करेंगे बहुत सारे बंद को, निकल यहाँ से निकल यहाँ से निकल यहाँ से वेट निकल यहाँ से और कोई और कोई और कोई और कोई है यहाँ पे, निकल यहाँ से वेट निकल यहाँ से। ओके गाइज हम लोगों ने ओनिल के सारे बंदे को मार दिया क्योंकि बिजनेस में धंधा हो रहा था, आई मीन क्यूट हो रहा था। अब गाइस बारी है अपने ओनिल को मारने का। बट वेट अपन ऐसे नहीं मारेगा ना, अपन गलने चलेगा, चलो आराम चलते हैं क्योंकि अपना ये ओनिल का बान हाउस है। बट वो ऊपर आराम से मजे कर रहा होगा, बट उसको नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे, बट अंदर भी बहुत सारे बंदे हैं। मेरे को आराम से जाना पड़ेगा, आराम से मेरे को आराम से निकलना पड़ेगा। बट वेट यहाँ पे नील को मार दिया, इधर अंदर बंदा, अंदर बहुत सारे बंदे हैं। अगर मैं गेट खोला बहुत सारे बंदे अटैक करने वाले मेरे साथ एक साथ, बट मैं कर तो करूँ क्या? वेट निकल यहाँ से। ओके वेट वेट ये रहा भाई, पूरे बंदे बंदे आ गए घर के अंदर, कितने सारे बंदे गाइस। ओ नहीं गन 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 रिलोड, चल निकल। गाइस ओनिल के बान हाउस को मारना भी इतना आसान नहीं था। वेल बहुत सारे बंदे अभी हैं गाइस, सारे बंदे को पता चल गया कि हमारे बान हाउस पे अटैक कर दिया ट्रेवर ने। बट विच अभी ओनिल कहाँ पे, ओनिल निकल रहे हैं यहाँ से, इन सभी को मैंने निपटा डाला था। वेट ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके ये गाइस अंदर ही है, गाइस ये अंदर ही ओनिल अपना, इसको कैसे मारूं मैं यहाँ से? गाइस सीक्रेट बेसमेंट छिपा है क्या? वैसे ये है कहाँ पे गाइस? बिजनेस में चीट हो रहा है और ये मारेगा मारेगा सबको मारेगा सबको। गया और कोई है? अब कोई नहीं है, बाहर एक बंदा है, बाहर एक बंदा केवल अंदर है। तुम निकल 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 यहाँ से, चलो। ओके गाइस ओनिल के सारे बंदे को मार दिया। बट वेट अभी और सारे बंदे भाई,
बहुत सारे बंदे हैं, इतना आसान भी नहीं है। निकल, चलो। वेल, ये सीक्रेट बेसमेंट था जो कि गाइस देख लो ये यहाँ पे हो रहा है बिजनेस में चीट, क्योंकि पूरा यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। बट जेरी के देखते हैं। ओके, और इधर रहा अपना रास्ता जो कि जो अपने बिजनेस में करेगा चीट उसका तो भाई बैंड बजाने वाला अपन। चलो लगभग मैंने यहाँ पे सब कुछ काम कर दिया, अब चलते हैं माचिस मारने के लिए। अब वो काम होने वाला, बट वेट, गेट कहाँ पे? गेट इस साइड रहा। बालकनी से निकलते हैं। चलो ये रहा बालकनी, लेट्स गो। चलो ओके, अब गाइस ये अब बान हाउस उड़ने वाला। देखो गाइस अब ये डिस्ट्रॉय होने वाला फुली तरीके से। मैं यहाँ पे आता हूँ, बस मेरे को हीट करना है, ये उड़ेगा। वेल ओके, हो चुका। चलो घर में आग लग गया पूरे तेजी में। अब ये बिजनेस गया, ओनील भी गया, ओनील को मैंने ऑलरेडी मार डाला। अब यहाँ पे दो गाइस पूरे तरीके से घर हो गया डिस्ट्रॉय। तो ऑल राइट गाइस, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ओनील ने काफी गलत किया ट्रेवर के साथ, बट ट्रेवर ने उसका पूरे घर को जला डाला। अब ये अपना बान हाउस इसके अंदर देख लेते हैं, अगर इसके अंदर भी कुछ होगा तो इसको भी हम जला देंगे, क्योंकि बान हाउस के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो मशीन बैठा कर रखा है ओनील। तो ऑल राइट गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ओनील ने हमारे बिजनेस में चीट किया, जिसकी वजह से ट्रेवर ने पूरे तरीके से उसके बिजनेस को ख़त्म कर डाला और उसको भी मार डाला। गाइस आज के यहीं पे होता है ये वाला स्टोरी एंड। अब अगला पार्ट आने वाला कुछ दिनों के बाद, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक लिए बाय बाय गाइस।